ये देखना वो अर्पण है ना, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। मेरी तरफ देखा, हाय, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ना, नहीं तो रुक। हाय अर्पण, मुझे ना तो चल बट तू ऐसी साइकिल वाली जब भी देखो मुंह पे पाउडर लगा के घूमती रहती है, अपने हाथ देख और पैर देख। अब रोके क्या करेगी, फेस केयर के साथ साथ बॉडी की भी केयर करनी चाहिए। पर तूने तो बॉडी केयर के अलग से कुछ बताया ही नहीं, बहुत झमेला है क्या? अरे कोई झमेला नहीं है, बस नहाते टाइम छोटे मोटे चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो बताना। अब बताऊंगी ना, पर सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दो और साइड में जो बेल बटन है उसे हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और ये बिल्कुल फ्री है। बॉडी केयर स्टेप में सबसे पहले गर्म पानी से बॉडी को वेट कर लेना, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी ही लेना, यानी आपको हल्के गर्म पानी से नहाना है। ये क्या कर रही है? साबुन फेंक और ये ले, वाउ स्किन साइंस वैनिला फोमिंग बॉडी वॉश। साबुन यूज करने से हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा बॉडी वॉश यूज करनी चाहिए। इससे स्किन बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ रहते हैं। और वाव के किसी भी प्रोडक्ट में ना ही पैरवेंस है और ना ही सल्फेट सिलिकॉन, इसीलिए ये स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्श नहीं है। अच्छे से पूरे बॉडी को लूफा की मदद से इस तरह से मसाज कर लेना, उसके बाद पानी से धो लेना। अरे वाह, ये प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे तू ये कहाँ से खरीदी है? तुझे तो पता ही होगा मैं बुलबुल शॉप से ही सारे प्रोडक्ट खरीदती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट का वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल जाता है। अरे वाह, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देख के सारे प्रोडक्ट सोच समझ के खरीद सकते हैं। अब करना है स्क्रबिंग, तो अगर टाइम मिले तो 4 चम्मच चीनी लो, फिर इसमें 3 चम्मच कॉफी, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करके मिक्स कर लो, एकदम ऐसे। अब इस DIY स्क्रब को लगाओ और मसाज करो। जिस तरह से हम फेस एक्सफोलिएशन करते हैं ना, उसी तरह से बॉडी को भी एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है, इसीलिए हफ्ते में 2 बार बॉडी एक्सफोलिएशन जरूर करना। और ये वाला होममेड स्क्रब सबसे बेहतर है, क्योंकि शुगर और कॉफी दोनों ही स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और अगर ज्यादा टाइम ना हो तो बॉडी स्क्रब लगा लो, जैसे कि हम यहाँ पे फिजी फर्न का एस्प्रेसो बॉडी स्क्रब लगा रहे हैं। अगर कॉफी लवर हो ना तो ये वाला स्क्रब जरूर ट्राई करना। इस स्क्रब में एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भरा है, जो डेड स्किन को रिमूव करके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और स्किन में ना एक इंस्टेंट ग्लो ला देता है। अगर DIY बॉडी स्क्रब बनाने का टाइम नहीं है तो ये वाला स्क्रब सबसे बेस्ट है, एक बार ट्राई जरूर कर लेना। और स्मेल भी बहुत अच्छी है, स्किन एकदम स्मूथ मक्खन की तरह बन जाएगा। बस 5 से 7 मिनट तक स्क्रब करने के बाद पानी से धो लो। अब पानी को पोंछ लो। चलिए टेस्ट करके दिखाते हैं। देखा, एक खरोज भी नहीं आई। बॉडी स्क्रब के बाद हम लगाएंगे बॉडी ऑयल, तो पहले जितना ऑयल चाहिए उतना सा एक बोल में निकाल लो। अब इसे खास बनाने के लिए इसमें कुछ बूंद कापीवा का सैंडलवुड नेचुरल ऑयल डाल दो। ये सैंडलवुड ऑयल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, पर हमेशा इसे किसी भी कैरियर ऑयल के साथ जरूर मिला लेना। इस ऑयल से बॉडी मसाज करने से स्किन में जितने भी डिस्कलरेशन है वो सब ठीक हो जाएगा। और ड्राई स्किन वाले तो इसे जरूर करना, इवन नॉर्मल स्किन वाले भी कर सकते हो। ये स्किन को बहुत हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है। और ऑयल मसाज करने से ना स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, जो स्किन टोन को एनहेंस करने में भी बहुत हेल्प करता है। बॉडी ऑयल के बाद लगाना है बॉडी वाटर। आप कोई भी बॉडी वाटर ले सकते हो, भाई हमने तो बुलबुल शॉप से देख के ये लोटस का व्हाइट कलर बॉडी वाटर ही लिया है। जितनी अच्छी इसकी खुशबू है ना, उतनी ही अच्छी टेक्सचर भी है। स्किन में अगर बॉडी वाटर लगाओगे तो स्किन इतना सॉफ्ट और स्मूथ बन जाएगा, एकदम मक्खन की तरह बन जाएगा। हाँ, और ड्राइनेस का तो कोई सवाल ही नहीं। और इस ड्राई वेदर में तो बॉडी वाटर कभी भी स्किप मत करना, और सभी स्किन टाइप वाले इसे लगा सकते हो। बॉडी वाटर लगाने से इंस्टेंट स्किन सॉफ्ट स्मूथ और ग्लोई बन जाएगा। बस हो गया ना बॉडी केयर? नहीं, अभी तो वो स्पेशल स्टेप करना है। पर तूने तो कहा था सिर्फ नहाते टाइम ही करना है। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अभी हो जाएगा। सही से बॉडी केयर करना है ना, तो सुन।
अब लास्ट में है मॉइस्चराइजर जो हम सभी यूज करते हैं पर सही तरीके से नहीं। यहाँ पे हम ममा अर्थ का हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन ले रहे हैं। इसमें क्यूकम्बर और एलोवेरा है। मॉइस्चराइजर तो हमें लगानी ही है पर इन सारे स्टेप्स के बाद लास्ट में। और ये वाला मॉइस्चराइजर तो स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा और क्यूकम्बर तो है ही, ऊपर से है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक चीजों से अच्छा स्किन के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये लास्ट स्टेप यानी के मॉइस्चराइजर के बाद बॉडी एकदम बटरी सॉफ्ट बन जाएगा। गाइज एक बार ट्राई जरूर करना ये सारे स्टेप्स, बॉडी में इंस्टेंट डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आपकी ड्राई फ्लेकी स्किन की प्रॉब्लम है तो इसे तो आपको ट्राई करनी ही करनी है। देखो इन सारे स्टेप्स के बाद इंस्टेंट स्किन में कितना चमक आ गया है। देख अपना मेरे नेल कलर कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ कलर तो अच्छा है पर तेरे हैंड्स पे जच नहीं रहा है। हाँ मेरे हैंड्स तो खराब होंगे ही, घर के सारे काम मुझे ही जो करने देगा। रोना धोना बंद कर, ये ले। ये क्या प्लम हैंड क्रीम? अब जब भी तू कोई काम करेगी या फिर हाथों को धोएगी तब तुरंत हाथों को पोंछ के इस हैंड क्रीम को ऐसे डॉटेड फॉर्म में लगा ले और फिर बेसिन के पास ही हैंड क्रीम को रख दे। फिर क्रीम को अच्छे से मसाज कर लेना। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी बहुत ठीक है जिस वजह से हैंड्स हमेशा सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होंगे। हैंड्स अगर बार बार ड्राई हो जाते हैं तो ये वाला क्रीम को ट्राई करके जरूर देखना। अरे वाह ये क्रीम तो बहुत बढ़िया है। पता है ये मैंने कहाँ से खरीदा है? कहाँ से खरीदा है? बुलबुल शॉप से। या तू भी बुलबुल शॉप से खरीदने लगी? क्यों नहीं खरीदूंगी, वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का वीडियो डेमोंस्ट्रेशन जो मिलता है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आज के हमारे बॉडी केयर हैक्स? अरे बढ़िया ही होंगे, देखना मेरे बॉडी में कितना शाइन आ गया है। अब वो आएगा ना उसे लात मार के भगा दूंगी। ए अपना काम कर, ज्यादा बक मत, चल। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना।